अस्सलामुअलैकुम। एक और बात जो आपको मैं टिप बताना चाहती हूँ कि स्प्रे की बॉटल्स जो हैं वो बहुत से लोगों की ख़राब हो जाती हैं, और ऐसे करके जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो उसमें पानी नहीं निकलता। इसमें तो निकल रहा है। इसकी वजह ये है कि जब मैंने सिरके का स्प्रे किया था प्लांट्स पे, उसी वक्त ही मैंने सारा स्प्रे लीव्स के ऊपर करके, जितने भी पौधे थे जिन पर मैंने करना था, बैंगन के पौधे और वो मूली के और दूसरे पत्ते जो इन्फेक्टेड थे, जिनके ऊपर काली फंगस लगी हुई थी, ब्लैक मोल्ड या ब्लैक फंगस, वो मैंने उसके ऊपर स्प्रे किया सिरके का। सिरका वाइट विनेगर और एप्पल साइडर विनेगर दोनों था, पानी के अंदर मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाल के मैंने स्प्रे किया। जब स्प्रे कर लिया तो बाकी जो पानी रह गया था वो भी मैंने उसकी जड़ों में डाला, और उसके बाद अब मैंने इसको धोया है इस बॉटल को, और मैंने इसमें खाली अच्छी तरह इसको सिरका इसमें से मैंने निकाल दिया है। इस वाले ये जो इसका पंप है इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है ताकि इसके अंदर सिरका ना लगा रह जाए, क्योंकि सिरका जो है वो आपकी बॉटल को, आपका ये जो स्प्रे वाला है ना, ये इसका जो अंदर स्प्रिंग है और ये सिस्टम है सारा इसका, इसको ख़राब कर देता है, सिरका बॉटल को ख़राब कर देता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब आपने सिरका का स्प्रे कर लें उसके बाद आप इसको साफ़ करके, मैंने खाली पानी भर के इसमें अंदर रखा हुआ है ताकि सिरके का जो भी इसका असर है बॉटल पे सिरके का, वो ख़त्म हो जाए। ये थी मेरी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ये आपको ये टिप बतानी थी कि अपनी बॉटल्स को, जो स्प्रे की आपकी बॉटल्स होती हैं, उनको आप प्रोटेक्ट इस तरह कर सकते हैं। कोई भी आप ऐसी चीज़ डालें तो उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद बॉटल को आप अच्छी तरह पानी से धो के रख लें, तो आपके कभी भी ये वाला आपका ये पंप जो है, ये जो स्प्रे का ये ख़राब नहीं होगा, इसमें से पानी निकलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you.
चुप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो